लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि भी मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वहाँ दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उससे देखकर कहा,
धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। फिर उसने बारहों को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वहां तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वहां और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमेन।